हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल में क्या स्टेप्स आते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि गुडविल की कैलकुलेशन का कोई भी मेथड है, हर मेथड के अंदर हमको उस मेथड का मेन टारगेट पता होना चाहिए। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट में, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को हम एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप्स के अंदर देखो, मेन टारगेट हमारा ये था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ योर परचेज। क्वेश्चन में तो गिवन होता है, ये हमको पता नहीं है ये कैसे आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको अगर एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है तो आप इसको यहां फिट कर दोगे, तब तो आप इसको यहां फिट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट या कह लो कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जितने भी सालों के प्रॉफिट को आपको एवरेज करने के लिए कहा गया है, मान लो आपके 3 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करने के लिए कहा गया है, तो आप तीनों के तीनों साल के प्रॉफिट को एवरेज कर दो। जितने साल के प्रॉफिट आपने ऊपर लिखे हैं उतने ही नंबर ऑफ ईयर हम नीचे लिखते हैं। मान लो 3 साल के प्रॉफिट अगर आपने ऐड करने हैं तो नीचे क्या लिखोगे, 3। अगर 5 सालों के प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो नीचे क्या लिखोगे, 5। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर अगर हमको एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट गिवन है फिर हमको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। फिर दूसरी बात आती है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो फिट कर दो, अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी आपने बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है, जितनी आपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है उसके ऊपर आप एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज लगाते हैं और क्या कर देते हैं, 100 को नीचे लिख देते हैं परसेंटेज करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब रियलिटी में आपने बिजनेस में जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है या कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से चेक कर लो कि हमको नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, बिजनेस की एसेट्स में से आप आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, या ये कह लीजिए आपके पास कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी, या आप इसको कह सकते हो कि आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है ये आपके पास आ जाएगी। मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप वापिस लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, क्वेश्चन में बात क्या आ रही है, हमको सुपर प्रॉफिट नहीं पता, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मान लो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से एवरेज करके। क्वेश्चन के अंदर मान लो नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, कैसे निकालेंगे, जितनी आपने बिजनेस में कैपिटल इंप्लॉयड लगाई हुई है, जितनी आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उसका परसेंटेज कर देना। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन के अंदर हमको कैपिटल इंप्लॉयड भी नहीं पता है तो क्या करोगे, बिजनेस में कोई ना कोई हिंट जरूर दिया हुआ होगा, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज बिजनेस की लेस कर देना तो क्या आ जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी या कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। अब बात आती है कि ये एनआरआर क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में गिवन होती है, ये वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है जो हमारे जैसे बाकी के बिजनेस जब पैसा लगाते हैं तो उनके पास उनको जितनी रिटर्न आ रही होती है हम भी उतनी ही रिटर्न मानकर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि सुपर प्रॉफिट रियलिटी में होता क्या है, मान लो बिजनेस के अंदर आपने पैसा लगाया हुआ था 10 लाख,
आपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ था 10 लाख, आपके जैसे जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, आपके जैसे जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, हर बिजनेस के अंदर पैसा जितना भी वो लोग लगाते हैं उसके ऊपर 10% रिटर्न होती है। मान लो आपका कपड़े का बिजनेस है, जितने भी लोग कपड़े का बिजनेस चला रहे हैं वो लोग जितना भी पैसा लगाते हैं उनके पैसे के ऊपर उनको 10% का फायदा होता है। तो हमने कितना पैसा लगाया हुआ है? 10 लाख। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमको कमाने की दर, जितना पैसा लगाया इसके ऊपर कमाने की जो रेट चल रही है कितनी चल रही है? 10%। तो 10 लाख के ऊपर 10% हमको प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 1 लाख। पर हमने चेक किया कि एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट हो गया हमको मान लो 2 लाख, रियलिटी में प्रॉफिट हो गया हमको 2 लाख, नॉर्मल होना चाहिए था 1 लाख। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। मतलब मान लो आपको रियलिटी में एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट हो गए 2 लाख, आपको होने चाहिए थे 1 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट से फालतू कितना हुआ वो 1 लाख हम कहेंगे आपका सुपर प्रॉफिट है। क्योंकि हम तो 1 लाख की उम्मीद लेकर चल रहे थे प्रॉफिट की, पर आपके तो प्रॉफिट कितने हो गए? 2 लाख हो गए। तो जितना फालतू हुआ वो आपके लिए सुपर है, सुपर प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में, सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमको इस फॉर्मूले के अंदर, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला हमको सबसे पहले आना चाहिए, उसमें से आप आगे क्वेश्चन को निकालते जाइए, आपके पास सारी आइटम्स आपको आइडेंटिफाई करनी बहुत इजी हो जाती हैं।